दोस्तों, जैसे कि आपने अभी जो मूवी टाइटल टेक्स्ट एनिमेशन देखा, आज हम दोस्तों कुछ इसी तरह का मूवी टाइटल टेक्स्ट एनिमेशन अपने एंड्रॉइड फोन को यूज करके काइन मास्टर की मदद से कैसे क्रिएट करना है आज हम दोस्तों इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो दोस्तों चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट के बिना आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरह के टेक्स्ट एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए एक ही ऐप को यूज करना है जिसका नाम है काइन मास्टर। दोस्तों अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, वहां पर दोस्तों मैंने इसका लिंक दे दिया है, वहां पर आप इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। डाउनलोड कर लेने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों काइन मास्टर ओपन हो चुका है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले जाना है यहाँ पर क्रिएट न्यू के ऊपर और इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके आपको एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नया प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मेन फुटेज है, इसकी लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सिंपली आप इसे वहाँ पर से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर लेने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और इसको आ जाना है बैक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह की फुटेज है। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको टच करना है। यहाँ पर राइट साइड पर थोड़ा यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा विग्नेट करके, ये डिसेबल होगा। आपको क्या करना है, इसको इस तरह से एनेबल करना है और इसको कर लेना है ओके। फिर दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आ जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जैक्टली आपको 1.5 तक जाना है और जाना है यहाँ पर आपको लेयर के अंदर। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एक ऑप्शन है टेक्स्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी आप लिखना चाहते हैं उसको दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एक मैं काइन मास्टर करके लिखा है, जो भी आप लिखना चाहते हैं दोस्तों वो आप यहाँ पर आपको लिखना है और इसको कर देना है ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको ये शो करेगा। और अब आपको दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.4 तक आना है और यहाँ पर आपको जाना है सीजर के ऑप्शन के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेयर हेड करके, इसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और इसको कर लेना है ओके। फिर से दोस्तों इसी लेयर के ऊपर आपको टच करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी लेयर के ऊपर आपको टच करना है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है फॉन्ट के अंदर, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इतने सारे फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे, जो भी फॉन्ट दोस्तों आपको अच्छा लगता है वो फॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं एक फॉन्ट सेलेक्ट करके रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेबस सेंस, बेबस न्यू लाइट करके। अगर आपको भी ये फॉन्ट चाहिए तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोर का ऑप्शन के अंदर आपको जाना है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे आपको सेक्शंस आपको मिल जाएंगे, इसके अंदर से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सैन सिर्फ करके, इस सेक्शन को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों वो फॉन्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा बेबस न्यू, इसके अंदर जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे यहाँ पर इंस्टॉल करके लिख कह रहा है, आपको यहाँ पर डाउनलोड करके लिख कह रहा होगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। कर देने के बाद में दोस्तों ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। फिर अब आपको दोस्तों क्या करना है, आ जाना है पूरा बैक आपको आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंसर्स, इस फोल्डर के अंदर आपको जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है और इसको कर लेना है ओके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो फॉन्ट है वो चेंज हो चुका है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आपको राइट साइड पर जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एक ऑप्शन है टेक्स्ट ऑप्शन करके, इसके अंदर जाना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कैरेक्टर ये जीरो रहेगा, आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं +30 आपको यहाँ पर रखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों +30 इतना आपको रखना है और इसको कर लेना है ओके। फिर अब आपको दोस्तों क्या करना है, इसकी जो टाइमलाइन ड्यूरेशन है आपको यहाँ पर इस तरह से बड़ा कर लेना है। कर देने के बाद में दोस्तों इसी लेयर के ऊपर आपको टच करना है और जाना है यहाँ पर स्टार्टिंग पोजिशन पर। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आपको की का ऑप्शन, इसके अंदर जाना है। बस आपको थोड़ा आगे जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.6 तक आपको जाना है और यहाँ पर आपको एक प्लस रखना है। फिर उसके स्टार्टिंग पोजिशन पर जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसको जो है दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पर बड़ा करना है। जितना भी दोस्तों आप मैक्सिमम कर सकते हैं उतना आपको बड़ा करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इतना आपको बड़ा करना है और इसको कर लेना है ओके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के एनिमेशन यहाँ पर आपको क्रिएट हो जाएगा। अब आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ तक आपको आना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.8 तक आपको आना है। फिर इसी लेयर के ऊपर आपको टच करना है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों वही की ऑप्शन, इसके अंदर जाना है और यहाँ पर आपको एक प्लस रखना है और इसको जो है दोस्तों इस तरह से आपको जूम आउट करना है और यहाँ पर आपको फिर से आगे आना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्लस रखना है। फिर उसके बाजू में ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाजू में ही आपको एक और प्लस रखना है और इसको जो है दोस्तों आपको कम्प्लीटली आपको यहाँ पर जीरो कर देना है और इसको कर देना है ओके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका टेक्स्ट एनिमेशन जो है क्रिएट हो चुका है। चलिए इसे एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एनिमेशन जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, इस लेयर के ऊपर आपको टच करना है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एक ऑप्शन है 3 डॉट्स, इसके अंदर जाना है और इसे आपको डुप्लीकेट करना है। जैसे ही दोस्तों इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर आपको मिल जाएगी और इसको कर लेना है ओके। फिर उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, इसको पकड़ करके यहाँ पर आपको रखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रखना है और आपकी जो दूसरी लेयर है इसके ऊपर आपको जाना है और इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और इसको जो है दोस्तों रीनेम करके जो भी आपका दूसरा टाइटल है उसको यहाँ पर आपको लिखना है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों सिनेमैटिक करके यहाँ पर मैंने लिखा है, जो भी आपका दूसरा टाइटल है उसको यहाँ पर आपको लिखना है और इसको कर लेना है ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये भी आ चुका है राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एनिमेशन जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। सिंपली दोस्तों इसी प्रोसेस को यूज़ करके जितने भी आपके टाइटल्स हैं उसको यहाँ पर आपको क्रिएट करना है। तो चलिए दोस्तों और एक मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जाना है और डुप्लीकेट और इसको कर लीजिए ओके। फिर इसको पकड़ करके यहाँ पर आपको रखना है, देख सकते हैं यहाँ पर आपको लाना है, देख सकते हैं यहाँ पर आपको रखना है और इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ऑप्शन के अंदर आपको जाना है और आपका जो दूसरा टाइटल है दोस्तों उसको यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एग्जांपल के तौर पे मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह से आपको लिखना है और इसको कर लेना है ओके। बस दोस्तों आपको इतना ही करना है। इसी तरह से आपको जितने भी टाइटल्स हैं उन सभी को जो है दोस्तों यहाँ पर आपको क्रिएट कर लेना है। तो दोस्तों चलिए इसे एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ ये आपको कैसे दिखता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से इस प्रोसेस को यूज़ करके आप भी अपने एंड्रॉइड फोन में काइन मास्टर की मदद से मूवी टाइटल टेक्स्ट एनिमेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और दोस्तों ऐसी और भी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों।